हेलो दोस्तों, तुर्की की एक प्रसिद्ध कहावत है कोग्राफिया कदर दीरा। इसका अर्थ है कि भूगोल एक नियति है। यह कहावत पूरी तरह से भूकंप के प्रति तुर्की की प्रवृत्ति का वर्णन करती है। और इस कविता के हम चलते माने तो तुर्की में भी अभी कुछ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि तुर्की में 6 फरवरी 2023 की सुबह करीब 4:15 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और इसका केंद्र गाजियाबाद इलाके में था। अब तक मौतों का आंकड़ा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों इमारतें गिर गई है। पेट्रोल पंप की लाइन फटने से कई जगहों पर आग लग गई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि गाजियाबाद जो कि सीरिया सीमा के पास में स्थित है, सीरिया में भी तबाही मची हुई है। पिछले 24 वर्षों में आए भूकंपों की वजह से तुर्की में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा बड़ा भूकंप आया है। इससे लोग खौफ में आ गए। दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया से कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया है। सबसे ज्यादा का 40 सेकंड तक महसूस किया गया है और इसी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सा भी हलचल होती है तो पूरे इलाके को हिला देती है। लेकिन भूकंप आते कैसे और ये क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। भूकंप आमतौर पर तब होते हैं जब भूमि का चट्टान सडनली टूट जाती है, या फिर चट्टान जो की स्पीड में तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और सडनली इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होने के कारण भूकंप की वेव तरंगे पैदा हो जाती है जो की जमीन को हिला देती है। चलिए मैं आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो द्वारा बताता हूँ, जिसमें चट्टान एक के ऊपर एक ऐसे जुड़ी होती है जिसमें लॉकडाउन और क्रिपिंग दोनों होता है। लेकिन जैसे एनर्जी बढ़ती है तो इस तरह कुछ सुनामी और भूकंप दोनों साथ में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे ही तुर्की में भी हो रहा है। और मैं आप लोग बता दूं कि तुर्की कई सक्रिय फ्लोटों के लाइनों के बीच में स्थित है। डेमिरन न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की में आधिकारिक तौर पर 485 फ्लोट लाइनें हैं। हालांकि पिछले एक दशक में 120 से अधिक नए फ्लोट लाइनें बन गए। इसी कारण से भूकंप की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन क्या पहले तुर्की में ऐसा भूकंप नहीं आया, तो इसका जवाब है हाँ, आए थे। तुर्की के आपदा आपातकालीन प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की में 2020 में 33,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इनमें से 333 से अधिक भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.4 रिक्टर थी। 2020 में तुर्की में 33,000 भूकंप आए थे। 2021 में यह आंकड़ा लगभग 24,000 था। अगर दो दशक पहले की बात करें तो यह आंकड़ा 1,000 से भी कम था। 1990 से लेकर 2000 तक मात्र 1999 में 2000 से अधिक बार तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अन्यथा हर बार इसकी संख्या 1,000 से कम ही रही है। वैसे तो अर्थक्वेक की वजह से टर्की में बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, लेकिन दुनिया भर से कई देशों ने टर्की के लिए बहुत ज्यादा मदद पहुंचाई है, जिसमें से उनका दुश्मन ईरान भी है जो कि सीरिया और तुर्की को मदद पहुंचाई है। और साथ ही में भारत ने भी तुर्की को मदद पहुंचाई है, जिसमें मेडिकल सेवा में NDRF टीम ने मेडिकल और साथ में दवाइयां लेकर वहां पर एक ग्रुप पहुंच चुका है। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर एरोप्लेन तुर्की में पहुंचाया गया है और भारत की लोकसभा में तुर्की में मरे हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी गई है। और हम भी यही चाहेंगे कि तुर्की को जल्दी जल्दी मदद मिलती रहे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।